हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर के हों या बीएससी हॉर्टिकल्चर के हों या इवन बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के हों, मतलब बीटेक एग्रीकल्चर के हों, आपके लिए आया है एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी। ओके, सो उसके बारे में जानेंगे। सो आज की जो हमारी थीम है ना, ये है एग्रीकल्चर वालों के लिए आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जहां पर 1800 प्लस वैकेंसीज हैं और 25,000 से लेके 80,000 तक की यहां पर सैलरी भी है। ओके, थोड़ा सा यहां पे इसको सही करूंगा तो ये 20,000 से लेके 80,000 की सैलरी है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आज का ये सेशन संपूर्ण जानकारी का है कि भाई क्या क्या है इसमें, क्या इसकी सैलरी, क्या इसकी एलिजिबिलिटी, कौन से स्टेट का है या फिर क्या है, जॉब नेचर क्या है, सब कुछ जानेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके इस पर्टिकुलर वैकेंसी के प्रिपेरेशन के लिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो लेट्स गो अहेड। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और स्पेशली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, आपको मिलते हैं फ्री सब्जेक्ट वाइज क्विजेस। इन क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, एंड जब आप एप्लीकेशन में कोई भी क्विज या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हो तो उसको रेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो एक हमारे लिए फीडबैक सिस्टम है जहां पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। आप जो पहला स्लाइड यहां पर देख रहे हो, ये आपके नोटिफिकेशन का पहला पेज है। सो ये जो नोटिफिकेशन है या रिक्रूटमेंट है, दैट दिस हैज बीन रिलीज्ड बाय एमपीईएसबी, मतलब एमपी एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड, जो हिंदी में है कर्मचारी चयन मंडल, जो कि भोपाल में है। सो सबसे पहला, ओके, अब इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में मल्टीपल पोस्ट्स के वैकेंसीज आई हैं। डायरेक्टर की पोस्ट के लिए है, SADO सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, SHDO सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, लैंड लैब टेक्नीशियन, उसके बाद यहां पर हमारा जो आज का फोकस है MPRAEO एंड RHEO, इनके वैकेंसीज हैं। तो हमारा आज का जो सेशन है वो RAEO और RHEO को लेके है, तो हम उस पे फोकस करेंगे। लेट्स गो अहेड। तो यहां पर आप देख सकते हो, सो स्टार्टिंग करते हैं। पहला जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है, मतलब स्टार्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन का है, वो 17th of April है, मतलब 17 अप्रैल से है। और साथ ही साथ जो आपका आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है, मतलब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 1st of May। लेकिन आप 6 मई तक कोई भी चेंजेस आपको करने हैं वो आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, चेंजेस ना ही करना पड़े तो बेटर है, क्योंकि उसके लिए भी आपको अलग से कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। तो अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपीज का फी है, और अनरिजर्व्ड के अलावा जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों के लिए 250 रुपीज का यहां पर फी है। ओके, नेक्स्ट, और जो बैकलॉग वैकेंसीज के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया था अगर, तो उनके लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इस पे। और यहाँ पर आपके एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होगा। सबसे खुशखबरी यहाँ पे ये है कि एग्जाम का डेट तक इन्होंने दे रखा है कि जो अलग अलग एग्जाम्स हैं वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। इतने सारे मल्टीपल पोस्ट्स हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन में तो एग्जाम होगा नहीं, तो 15 जुलाई को ये एग्जाम्स आपके स्टार्ट होंगे और अलग अलग डे पे अलग अलग शिफ्ट में होंगे। हर दिन 2 शिफ्ट होगा यहाँ पर, जो कि आपका shift 1 और shift 2 है। ये जो आप देख रहे हो, ये ना अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट हैं, एक group 1 है, एक group 2 है। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, सो group 1 सब group 1 कुछ पोस्ट्स हैं, group 2 सब group 1 कुछ पोस्ट्स हैं। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है, जो आपका फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा वो 7 to 8 का रिपोर्टिंग टाइम है, 8:50 to 9:00, इसके बीच में आपको 10 मिनट दिया जाएगा अपना, जो डायरेक्शंस नहीं होते हैं पेपर के स्टार्ट होने से पहले उसको पढ़ने के लिए। 9 बजे आपका एग्जाम टाइम होगा, 9 से 12। उसी तरह आफ्टरनून में 12:30 to 1:30 रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, 2:20 to 2:30 आपको दिया जाएगा 10 मिनट डायरेक्शंस पढ़ने के लिए, एंड 2:30 से 5:30 आपका एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहां पर आया है अहरकारी अंक। सो बेसिकली ये है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, अगर मैं इस क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं, तो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपको मिनिमम 50% लाना पड़ेगा। लेकिन सर, 50% किस में से लाएं? देखिए, 200 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का होगा, और 100 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं जीके, जो कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान है, जीएस जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो कि आपका और हाँ, रीजनिंग के साथ साथ कंप्यूटर है। ठीक है,
एंड यहाँ पर अगर देखेंगे सो यू आर के लिए 50% है, लेकिन अगर यू आर के अलावा EWS, OBC, SC, ST, PWD जितने भी हैं, ठीक है, अलग जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% है, मतलब 10% का छूट यहाँ पर आपको मिलता है. नेक्स्ट अगर देखेंगे यहां पर, सो बेसिकली ये जो आपके डिफरेंट कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज के बारे में है, तो हम सीधा आगे चलते हैं और देखते हैं. अच्छा, एग्जाम पैटर्न है, लेकिन एग्जाम पैटर्न में आगे बताऊंगा आपके पोस्ट के बारे में, पोस्ट के बारे में बताऊंगा फिर एग्जाम के बारे में बताऊंगा, पैटर्न के बारे में. अच्छा, उससे पहले हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं. जनरली बैंकिंग वगैरह में तो आपके 30 साल के होते हैं, ठीक है, isn't it? Okay? कहीं पे 28 होता है, कहीं 30 होता है, जो बैंकिंग लेवल के एग्जाम्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे PSC का एग्जाम होता है ना, कहीं पे 30, कहीं पे 32 साल तक, कहीं 35, कहीं 40 साल तक दे सकते हैं. तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका MP का ये जो रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो 18 से 40 है, मतलब मिनिमम एज 18 ईयर्स, मतलब 18 साल का है. ओके, और यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स का. ओके, लेकिन अगर आप कोई भी UR के अलावा दूसरे कैटेगरी में है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 18 से 45 ईयर्स तक, ईयर्स के बीच में अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है. इसका मतलब ये है कि MP का ये जो पोस्ट है, यहाँ पर MP के एम्प्लॉयज पोर्टल पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, जो कि कोई भी कर सकता है. इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ऑल अदर स्टेट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल. ठीक है, जितने भी बाहर दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, आप भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो. ओके, और ये कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये हम बहुत जल्दी एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक सेशन भी लेके आएंगे. Now talking about the posts, so सबसे पहला जो है वो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो कि है रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर. इसमें पोस्ट कितने हैं, इसके जो कुल पद हैं वो 1852 है, मतलब 1852. ओके, नाउ इस 1852 में 500 आपको UR के पोस्ट मिलेंगे, 500 आपको OBC के पोस्ट मिलेंगे, मतलब अनरिजर्व्ड और OBC. साथ ही साथ आपको जो बाकी के कैटेगरीज हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूं, जैसे कि EWS 186, अनुसूचित जाति जो कि SC 298, अनुसूचित जनजाति जो कि यहां पर ST है उनका 368 पोस्ट रहने वाला है, टोटल 1852. ठीक है, और बात यह आती है कि इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है. सैलरी रहने वाली है 25,300 से लेकर 80,500 तक, और साथ ही साथ इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मतलब जो आपकी जो शिक्षा है, ठीक है, सो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो होना चाहिए BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पोस्ट आते हैं लेकिन यार सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए होते हैं, BSc हॉर्टिकल्चर एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों ही एलिजिबल है, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा. ठीक है, दूसरा जो है वो पोस्ट कोड 10 है, जो कि है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी रूरल हॉर्टिकल्चर, क्या है, एक्सटेंशन ऑफिसर. उद्यान की बात कर रहे हैं. यहां पर जो पोस्ट है वो कुल पदे 52 है, मतलब 52 है. ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिसमें UR के 12 है, 15 OBC के हैं, 5 EWS के हैं, SC के 9 है और ST के 11 पोस्ट हैं. अब इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगेन BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन यहां पे एक और एलिजिबिलिटी, एक और डिग्री के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, जो कि हैं BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग. ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर के बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि वर्षा मैम इंजीनियरिंग की क्लास ले रहे हैं और स्टूडेंट्स आगे पूछते हैं, मैम क्या इंजीनियरिंग वालों के लिए कोई जॉब नहीं निकलती है जैसे एग्रीकल्चर वालों के लिए निकलती है. अब तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अब यह मत कहना कि सर ओनली 52 है. भाई अगर आप तैयारी करोगे तो ओनली 52 से आपको कोई मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन होना जरूरी है. राइट, नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपका वेतनमान है, अगेन ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है, जो कि 7वां वेतनमान है और 25,300 से लेके 80,500 के बीच आपका यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर 20,200 से लेके प्लस आपके जो भी TA DA वगैरह होंगे वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे. क्लियर गाइस, चलिए अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे. देखिए एग्जाम में आपके दो सेक्शंस रहेंगे 100 क्वेश्चन में के. एक सेक्शन में आपका प्रोफेशनल नॉलेज या सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज हम जिसे कहते हैं वो रहने वाला है, उसका डिटेल सिलेबस भी दे रखा है यहाँ पे, उसको डिस्कस करेंगे. दूसरा यहाँ पर है सामान्य ज्ञान, जो कि GK है, सामान्य हिंदी जो कि हिंदी है, सामान्य
अंग्रेजी जो कि इंग्लिश है, सामान्य गणित जो कि आपका मैथ्स है, सामान्य तर्किक योग्यता जो कि आपका रीजनिंग एबिलिटी है, सामान्य विज्ञान जो कि आपका साइंस है, एवं सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज है। आप अगर देखोगे तो यार हर सब्जेक्ट से पहले सामान्य लिखा है, इसका मतलब यह है कि आप जो भी तैयारी करोगे ना वो बहुत ही बेसिक तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में बैंकिंग, ऐसे बैंक में जैसे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम शॉर्टकट्स को सीखने की कोशिश करते हैं, इतनी सारी चीजें यहाँ पे जरूरी नहीं होंगी। आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, बेसिक मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस और साथ ही साथ कंप्यूटर एंड हिंदी। ठीक है, प्लस आपका संबंधित विषय, मतलब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, तो टोटल 200 क्वेश्चंस है यहाँ पर। अगर मैं संबंध जो यहाँ पर आपके प्रोफेशनल नॉलेज की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल एग्रीकल्चर दे रखा है, आपने अक्सर देखा होगा जो ईयर्स, हिस्ट्री, इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। एग्रोनॉमी की बात करें तो मेजर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश, ऑब्वियसली भाई गेहूं से स्टार्ट करेंगे, राइट। एग्रोटेक्निक्स ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, मतलब वही क्रॉप जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है ना वो पढ़ना है। फार्मिंग सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में ये पोर्शन पूछा जा रहा है। ओके, बहुत ही छोटा पोर्शन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता रहता है बिकॉज ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। इंट्रोडक्शन टू एग्रो मेटेरियोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। देखिए, जो एग्रीकल्चर की हमारी टीम है उसमें ये जो एग्जाम है उसके लिए कुछ सर्टन फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक्सपर्टीज हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, मतलब ये जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी और सॉयल साइंस जो इस पहले स्लाइड पे आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक पर्टिकुलर पोर्शन हीना मैम पढ़ाने वाली हैं जो कि एग्रो मेटेरियोलॉजी है। ओके, सॉयल साइंस की बात करें तो सॉयल साइंस का कॉम्पोजिशन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब सॉयल साइंस का हिस्सा रहेगा। ठीक है, इस चीज और साथ ही साथ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स, मतलब सॉइल्स में किस किस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, उनका रेमेडी हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें। क्लियर गाइस, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये पोर्शन भी मैं यहां पर डील करने वाला हूं। ठीक है, फिफ्थ में आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जहां पर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस, ये हिना मैम पढ़ाएंगे जो कि आपका बेसिक बॉटनी भी आप कह सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहां पर प्लांट स्पेसिफिक चीजें ज्यादा होंगी, मतलब क्रॉप स्पेसिफिक, नॉट एग्जैक्टली प्लांट, वैसे बॉटनी की बात करें तो प्लांट तो है ही लेकिन क्रॉप स्पेसिफिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो क्रॉप इंप्रूवमेंट, ये आपका बेसिक जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग है जो प्रतिभा मैम डील करने वाली है। अब आता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के लिए आकाश सर ऑब्वियसली डील करेंगे यहाँ पे फ्रूट साइंस, स्पाइसेस, उसके बाद नर्सरी मैनेजमेंट, प्लांटेशन क्रॉप्स वगैरह, लेकिन यहाँ जो ये वेजिटेबल का पोर्शन है ये प्रतिभा मैम डील करने वाली है, बाकी आकाश सर डील करेंगे उनमें क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, किसी भी तरह का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या फिर पैथोलॉजिकल डिजीजेस उनको मैनेज कैसे किया जाता है, एटसेट्रा। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन, जिसमें आपका पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी दोनों ही आ जाते हैं, एंटो का पोर्शन प्रतिभा मैम डील करेंगी और पैथोलॉजी का जो पोर्शन है वो यहाँ पर डील करने वाली है, कौन डील करने वाली है, हीना मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ये पोर्शन यहाँ पे मैं डील करूंगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आपका यहाँ पर है नहीं, सो बेसिकली जो फार्म मैनेजमेंट का पोर्शन है ना वो हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, प्लस मार्केट के बारे में कि भाई मार्केट कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप्स के मार्केट होते हैं, रूरल मार्केट क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, होलसेल, रिटेल मार्केट, ओके, फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट, तरह तरह के मार्केट के टाइप्स है। ओके, मोनोपोली क्या होता है, डुओपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, वहीं पे अपोजिट साइड पे मोनोपसोनी, डुओपसोनी, ओलिगोपसोनी क्या होता है, एंड What is the difference between these and monopolistic competition? ठीक है, इस तरह की चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन। अब ये जो पोर्शन है ये आकाश सर डील करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कुछ इसमें कुछ पोर्शंस जो है वो डील करूंगा। ठीक है, सो दिस इज योर सिलेबस। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, आवेदन पत्र का जो भी डेट है 17 अप्रैल आपका एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टार्टिंग डेट होगा, 1-5 मतलब मई तक आप एप्लीकेशन भर सकते हो लेकिन चेंजेस 6 तारीख तक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखोगे आपको ऑनलाइन परीक्षा का विवरण मिलेगा, अगेन 3 घंटे का एग्जाम है, 200 नंबर का यहां पर आपका पेपर रहेगा, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगेन यहाँ पर आप देखोगे परीक्षा का शुल्क जो कि अनरिजर्व्ड के लिए 500 रुपीज है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज है। ठीक है, जितनी बार चेंजेस करोगे 60 रुपए आपको कायोस या फिर पोर्टल का भरना पड़ेगा और 20 रुपए हर एक चेंजेस के लिए। ठीक है, अब सॉरी 20 रुपए अगर आप खुद से चेंजेस करते हो, 60 रुपए अगर आप कोई कायोस से चेंजेस करते हो जाके। ओके, क्लियर है,
ये देख रहे हो 40 रुपए जो एक्स्ट्रा पोर्टल के लगते हैं वो लगेंगे। नेक्स्ट क्योंकि ये एक स्टेट एग्जाम है और सारे इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, इवन नेपाल के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसके सेंटर जो है ऑल इंडिया में होंगे? जी नहीं, 8 सेंटर होंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, सतना, सागर, उज्जैन। ठीक है, इन 8 सिटीज में आपको 8 सेंटर मिलेंगे। ठीक है, और सेंटर आपको आपके एडमिट कार्ड में ही पता चलेगा। नेक्स्ट, नागरिकता एवं स्थायी निवासी से संबंध में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अगेन कमेंट्स में ये भी पूछेंगे कि सर कहाँ लिखा है, क्या हम एलिजिबल हैं, तो देखिए बहुत क्लियरली मेंशन है। ठीक है, पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है एमपी का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक हो सकता है यदि, ठीक है, यदि नेपाल का नागरिक है तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा भर्ती नियम 1961 को लागू नियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है, मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कहीं के भी हो, आपके पास आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो ये एक समरी था पूरा आपके नोटिफिकेशन का, आपके रिक्रूटमेंट का, जो आज से एक दो दिन पहले आया था। ओके, और अगर मैं बात करूं इसके प्रिपरेशन की, देखिए दो चीजें, एक है आप सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो और हमारे साथ हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे जुड़ सकते हो। जो क्लास की टाइमिंग रहेगी ना वो होने वाली है 1 बजे, 1 PM। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो भी मटेरियल्स चाहिए, अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो वो उसके लिए आप इस बैच में जुड़ सकते हो। इस बैच में क्या मिलेगा, बहुत बारी आप लोगों ने बोला है सर हमें ना एक कंप्लीट बैच चाहिए जिसमें सब कुछ होगा। अब सब कुछ होगा का सेंस क्या है यहाँ पे, सब कुछ होगा का मतलब है बैच में आपके क्लासेस होंगे। जनरली अब तक क्या होता था, हम क्लासेस प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब आपके डिमांड पे हम क्लास के साथ ई बुक प्लस टेस्ट सीरीज ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंप्लीट बैच में, इसलिए इसका नाम है कंप्लीट बैच। ठीक है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। ठीक है, और आपके एग्जाम से पहले जुलाई में आपका एग्जाम है, रफली 1.5 to 2 months का ये बैच होगा। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट थोड़ा सा लंबा चलेंगे, और ये बैच आपका कंप्लीट बैच है। ठीक है, इसका स्टडी प्लान भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके, अब आपको करना क्या है, इस बैच में कैसे एनरोल करें, देखिए आप यूट्यूब पे इस सेशन को देख रहे हो तो सिंपली यूट्यूब पे जाइए। ओके, यहां पर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 सर्च कीजिएगा, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 सर्च कीजिएगा, जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, आप कोई से वीडियो में जा सकते हैं। रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंप्लीट बैच डिटेल्स का भी वीडियो बनाया था। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे आपको डिस्क्रिप्शन में यहां पर मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन की अगर बात करोगे, आरपी, आरएईओ, आरएचईओ बैच मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म मिलेगा जिसको आप लोग भर सकते हो अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो। ठीक है, बैच में एनरोल करने के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे टैप कीजिए, ये देखिए आप सीधा बैच में पहुंच जाओगे। अब इस बैच की खासियत क्या है, ठीक है, देखिए अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़िएगा, यहाँ पे टीचर्स वगैरह के बारे में सब कुछ मेंशन है। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें ना दो चीजें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है हमें चाहिए एग्रीकल्चर के क्लासेस, दूसरा है जीके जीएस, बाकी क्लासेस भी चाहिए। लेकिन क्या ये फिजिबल है कि हम सारे क्लासेस लाइव करें? जी नहीं, क्योंकि जब आप बाकी क्लासेस लाइव करोगे तो आपको 8 से 9 घंटे वहां चाहिए और 4 घंटे एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। 12-13 घंटे अगर क्लास करोगे तो आप सेल्फ रिविजन कब करोगे? इसलिए हम एक लेके आए हैं ये एक बैच जहां पर आपको प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब एग्रीकल्चर के लाइव क्लासेस मिलेंगे, और साथ ही साथ इसके जो जनरल नॉलेज इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर है, इसके रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। अब इसकी खासियत ये है कि आपको जो लाइव क्लासेस हैं उनके साथ अलग से डाउट सेशंस भी मिलेंगे। एनरोल करने के लिए आपको बाय नाउ पे जाना है, यहां पर देखिए कोड है APR75, लेकिन जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो ये 2249 का है। अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा कोड बताऊंगा जो आपको अप्लाई करना है, जो कि है Y291। अप्लाई कर दीजिए, 2069 हो गया। अब अगर इससे भी ज्यादा आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपको अगेन वहां पे लिंक मिल जाएगा कमेंट में। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको इस बैच को ओपन करना है, एग्रीकल्चर का कैटेगरी चुनिएगा, उसके अंदर आपको एमपी का ये बैच दिख जाएगा, वहां पर Y291 का कोड यूज कीजिएगा।
ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ कॉइन्स आएंगे, जैसे आप कॉइन्स पे टैप करोगे आपको 100 रुपीज का 99 रुपीज का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये बैच हो जाएगा 1970 रुपीज का. सो 1970 रुपीज में आपको बैच, आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक सब कुछ मिल रहा है, ईच एंड एवरी थिंग. ठीक है, सो दिस इज इट गाइस. ओके, मिलेंगे बहुत जल्दी एक और सेशन में और अगेन यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ और हमारे साथ 1 बजे हमारे क्लासेस में जुड़िएगा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर. टेक केयर एंड बाय बाय.